नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कितनी उठापटक है, कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है आज, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में कल के कार्रवाई सत्र में तो हमने ऐसे ही नरमी के साथ ट्रेड देखा था। $1900 के ऊपर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना ट्रेड कर रहा था। आज देख रहे हैं कि $1900 के नीचे लुढ़का है और $1899 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पे सिल्वर कल वाले लेवल्स पर ही है, $23.5 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं कि डॉलर में जो हल्का सा स्लिप देखने को मिला था उसकी वजह से सोने चांदी में थोड़ा सपोर्ट निकला था, लेकिन फिर से हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 102 के लेवल पर पहुंच गया था और डॉलर में ज़्यादा निवेश बढ़ा, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में ज़्यादा तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से सोने चांदी के जो प्राइसेस हैं उनमें एक हल्की नरमी देखने को मिली है, एक हल्का दबाव देखने को मिला है। जब तक ऐसे ही माहौल बना रहेगा तब तक ये ऐसे ही सोने चांदी के जो प्राइसेस हैं उनमें उठापटक देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि सोने चांदी के जो प्राइसेस हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ऐसे में अगर सोने चांदी में बहुत लंबी या ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी की जो प्राइसेस है वो निचले स्तर पर भी नहीं जा रही है, उनको इस चीज़ का पूरा सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। तो आज के कार्रवाई सत्र में सोने चांदी में चाल कैसे रहेगी, कीमतें ऊपर जाएंगी या फिर नीचे की ओर, जान लेते हैं रूपा जी से। बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी आपका मांगेराम सीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं सोने चांदी में कल के मुकाबले आज कुछ और नरमी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है, क्या अभी सोने में और गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल, सोने और चांदी के अंदर अभी भी प्रेशर है और $1880 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे जा सकता है मार्केट और ये गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। अगर उस $1880 के नीचे फिसलता है तो आपको एक और करेक्शन जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि $1860 भी हो सकती है। अभी फिलहाल जो है सेफ हेवन डिमांड कम होती दिखाई दे रही है और जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। चांदी में आज थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है इंटरनेशनली, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो जी रूपा जी, खबरें ये भी निकल के सामने आ रही हैं कि जिस हिसाब से अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40 सालों के उच्चतम स्तर पर है, यूएस फेड भी बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, और ऐसी बीच ये भी खबरें हैं कि गोल्ड में जो हेजिंग है वो बढ़ गई है, तो आपको क्या लगता है गोल्ड में हेजिंग बढ़ने से सोने चांदी के जो प्राइसेज है ऊपर की ओर जाने चाहिए या फिर नीचे की ओर? देखिए अभी फिलहाल जो सिनेरियो बनता है नजर आ रहा है, अगर फेड की तरफ से कोई बयान आता है और उसको अगर इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बूस्टअप मिलता है, हम इकोनॉमी को दिखाई देगा और वहां से जो है बाजारों के अंदर एक बार फिर से जो है वो बाइंग लौट सकती है। लेकिन सोने के अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है जो कि आपको 1880 से 1920 तक हो सकती है। जी से रूपा जी, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल देखना, WTI एक बार फिर से $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है $101.90 पर, यानी $102 के आसपास, और ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 पर। रूपा जी खबरें निकलने के सामने आई है कि चाइना में स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की जा सकती है इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए, क्योंकि चाइना में देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है काफ़ी समय से, कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अगर चाइना में स्टिमुलस पैकेज की घोषणा होती है तो उसका असर कच्चे तेल की बाजार पर और बाकी चीज़ों पर कितना देखने को मिलेगा, क्योंकि देखने जो चाइना है वो कच्चे तेल के साथ साथ बेस मेटल्स का भी एक बड़ा कंज्यूमर है। देखिए अगर इकोनॉमी के अंदर बूस्टअप आता है और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस होते हैं और कोई इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाता है तो टेक्निकली मनी जो है वो मार्केट में सर्कुलेट होगी और जिसके चलते थोड़ा सा डिमांड फैक्टर जो है वो पिकअप हो सकता है और कमोडिटीज के अंदर जो है वो अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं करेंसी के अंदर आपको गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए जो सिनेरियो की अगर हम बात करें तो मुझे गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ क्रूड जो है क्रूड में भी अभी फिलहाल थोड़ा सा बाजार जो है वो सीमित दायरे में दिखाई देता है, नीचे में $90 तो ऊपर में $120 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये सर बजाज इंट्राडे में बेस मेटल्स में कैसा बाजार रह सकता है?
देखिए इंट्राडे में बेस मेटल में भी आज वीकनेस है, और कल भी मैंने बोला था कि कॉपर जो है वो 780 तक नीचे जा सकता है, और वही 787 तक हमने आज नीचे आते हुए भी देखा है, और जिंक भी लुढ़की है 140 तक, जिंक भी गिरावट बन सकती है। तो जिंक और कॉपर दोनों ही कॉमोडिटीज में आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाली किया जा सकता है। एल्यूमिनियम भी नीचे में 250 से 200 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो खबरें निकल के सामने आई हैं कि रशिया ने पोलैंड और बल्गेरिया को गैस और कच्चे तेल की जो सप्लाई है पूर्ण रूप से बंद कर दी है, और यहीं पे देख रहे हैं नेचुरल गैस आज कुछ हल्के से दबाव के साथ $6.9 पर ट्रेंड करती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है अब नेचुरल गैस का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए नेचुरल गैस में ओवरबोर्ड जोन में ऑलरेडी मार्केट है, और अभी जो है एनर्जी का संकट अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा कोई गिरावट की उम्मीद है। यहाँ पर 520 और 500 का सपोर्ट नीचे में दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट टूटा तो फिर बहुत ज्यादा गिरावट में जा सकता है, अदरवाइज 500 के आसपास सपोर्ट लेगा तो टेक्निकली हम देखेंगे कि एक फिर से बाइंग आएगी जो कि इसको 580 से 600 तक ले जा सकती है। अभी हाल फिलहाल के सिनेरियो की बात करें तो हल्की करेक्शन जो है वो इस तरह पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या चूज करना चाहेंगी आप? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज सोने और चांदी के अंदर आज दिवाली करके चला जा सकता है, वहीं आज हल्की गिरावट क्रूड के अंदर भी देखने को मिल सकती है। सोना मुझे लगता है कि आज नीचे में 51,400 से 51,200 की रेंज दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी